वेलकम टू अड्डा स्कूल आप सभी लोग का अडा स्कूल में बहुत 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 सारा स्वागत है जैसे कि आप लोग थामनेल पर देख रहे होंगे एंड यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस सीरीज जिसका नाम है आपका वन शॉट ट्रिविशन राइट सो अभी तक मैक्सिमम फ्लेमिंगो की uh, जो हमारी चैप्टर्स हैं पोम्स हैं उनको हम कवर कर चुके हैं

Which is the sixth chapter of your से कवर करने वाले so, let's begin with it. सबसे पहले मैं अगर एनिमी की बात करूँ तो एनिमी चैप्टर से ही आपको दुश्मनी दिखाते हुए दिखेगा राइट सो यहाँ पर इंग्लैंड और जापान की दुश्मनी दिखाई गई है कि कैसे इंग्लैंड और जापान के बीच में एक तकरार चल रहा था नीदर इंग्लैंड पीपल In the favor of Japan and the तो वो उसको मार देंगे क्योंकि सबके अंदर जो पेट्रियोटिज्म है उसकी भावना जगी हुई है और हर कोई अपनी धरती अपने लैंड को सेव करना चाहता है राइट ना आपको पता चलेगा Uh, आदमी है इंग्लैंड का राइट right? वो uh, जैसे तैसे करके समुद्र में उसको किसी ने मारा होता है तो वो ऐसे समुद्र की लहरों में बहता बहता uh, यहाँ पर जापान के एक डॉक्टर के जिनका नाम डॉक्टर सडाओ है उनके घर में आ जाता है और फिर डॉक्टर सडाओ जो कि एक्चुअली में एक डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई तो इंग्लैंड से ही करी हुई है वो एक दुविधा में वो एक डिलेमा में है एंड दैट दैट सिचुएशन इज कि मैं करूँ तो क्या करूँ मैं एक अच्छा देशभक्त भी हूँ क्योंकि मेरे पापा ने मुझे देशभक्ति बहुत अच्छे से सिखाई है और साथ ही साथ में मैं एक अच्छा डॉक्टर भी हूँ मैंने जब डॉक्टर बनने का सोचा था तो मेरे को शपथ दिलवाई गई थी कि मैं कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे पेशेंट को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े सो so, मैं हर पॉसिबल एफर्ट करूंगा अपने पेशेंट को बचाने का राइट सो यहाँ पर आपको बहुत ब्यूटीफुली इस चैप्टर को बताया गया है किस तरीके से ये जो डॉक्टर है वो अपनी दो डिलेटिक सिचुएशन से बाहर निकलते हैं वो पेट्रियोटिज्म को भी आ, फेवर करना चाहते होते हैं लेकिन अल्टीमेटली उन्हें एक डॉक्टर का फर्ज़ निभाना होता है वो किसी को मरते हुए नहीं छोड़ सकते और लास्ट में उन्हें इस चैप्टर में समझ में आता है और लास्ट में उन्हें इस पूरे जो सीनेरी होता है उसे ये सीख मिलती है सब चीज़ के परे चाहे पेट्रियोटिज्म हो चाहे डॉक्टर का वर्क हो या फिर किसी भी तरह की अच्छाई या बुराई हो इन सबसे बहुत ऊपर अगर कोई चीज़ सस्टेन करती है तो वो होती है

तो यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है या फिर आप उसे पूछा जाए जो प्रोटेगनेस्ट ऑफ द स्टोरी है वो कौन है सो so आपको याद रखना है द प्रोटेगनेस्ट ऑफ द स्टोरी इज नन अदर देन डॉक्टर सडा ही इज अ रियली वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी एंड ही ऑलवेज ट्राई टू डू गुड फॉर अदर्स उन्होंने आज तक अपनी uh, जो uh, डॉक्टरशिप है उसको कभी भी नहीं छोड़ा उन्होंने हमेशा अपने पेशेंट्स की जान बचाने की कोशिश करी हुई और शायद इसीलिए वो बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं और उनकी की भी सर्जरीज हमेशा बहुत ही सक्सेसफुल रहती हैं He went to study in America and meets a Japanese girl Hana. अब yeah. क्योंकि इनके जो पापा हैं वो बहुत ही ज्यादा देशभक्त टाइप के हैं और उन्हें बहुत ही देसी चीज़ें पसंद आती हैं। जापान की रूट से वो बहुत ज्यादा अटैच हैं। तो जब ये अमेरिका जाते हैं पढ़ने के लिए डॉक्टर सडाओ तो डॉक्टर सडाओ पर्सन जिनके दिमाग में ये चीज़ था कि मेरे पापा कभी भी एक दूसरी धर्म की लड़की को या दूसरे लैंड की लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो अगर मैं शादी भी करूंगा तो भी मैं एक लड़की से ही करूंगा। so, जब ये इंग्लैंड में ही होती है, उसका नाम होता है हैना। तो हैना से इनकी शादी होती है फिर ये उस लड़की को लेकर के यहीं जापान में ही बस जाते ही मैरिज हाउ एंड रिंग टू जपान क्योंकि इनके पापा का हमेशा सपना था बच्चा भले ही कहीं पढ़ ले लेकिन उसको आना जापान ही राइट और फिर जापान में जिस तरह की वॉर्स चल रहे थे उस टाइम पे जितने भी जापानी सोल्जर्स थे उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी डॉक्टर्स डॉक्टर्स की की वो भी सदाओ जैसे इतने परफेक्ट तो बहुत ही ज्यादा जरूरत थी सो so, इस वजह से जो uh, था वो अपनी वाइफ से शादी करता है और अपने पापा की वजह से और साथ ही साथ में वो सोल्जर्स की वजह से वहीं सेटल हो जाता है जापान में दस वॉज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड मैंने आपको बताया कि युद्ध छिड़ा हुआ है जापानीज और इंग्लैंड के बीच में तो ये जो समय है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है अब यू बेटर नो सेकंड वर्ल्ड वॉर कितनी भयंकर थी नाउ लुक एट दिस को सेव करने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कंट्री पर आकर के कोई कब्जा कर ले सो so, अब उस कब्जे में बट ऑब्वियसली चीज है जितने भी सोल्जर्स थे वो डिप्लॉयड किए गए वहां पर uh, जो ये जाकर के लड़ते थे तो इनको चोट चाट आती थी जब ये चोटिल होते थे uh, इनको जख्म होते थे तो इनका इलाज करने के लिए डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती थी और जितने भी

जीना जरूरी है यहाँ पर थोड़ा सा उन्हें सेल्फेश दिखाया गया हैल को क्योंकि उन्हें अपने अलावा को सूचता नहीं था उन्हें अपनी जान बचानी थी और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने डॉक्टर सडाओ को यहां पर रहने की इजाजत दी और डॉक्टर सडाओ की वो हेल्प भी नहीं करते जबकि उन्होंने कहा होता है कि वो डॉक्टर सडाऊ की हेल्प करेंगे राइट ना अभी आपको पता चलेगा चैप्टर में आगे कि अगर उन्होंने किस तरीके से उनकी हेल्प नहीं करें की चल रही होती है, कोई परेशानी नहीं होती है वो जापान में डॉक्टर रह होते हैं अच्छी खासी कमाई आ रही होती है तीन चार नौकर होते हैं छोटा है, सा भी कुछ ऐसे हादसा हो रहा है वो आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है और यहाँ पर डॉक्टर सडाओ के साथ यही हुआ उनकी जिंदगी में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है वो छोटी सी प्रॉब्लम क्या है वो एक्चुअली में हमारे लिए एक छोटी है लेकिन उस समय के लिए वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अच्छा वो प्रॉब्लम क्या थी वो प्रॉब्लम एक्चुअली में ये थी कि इंग्लैंड जिससे उसकी बहुत भयंकर लड़ाई चल रही थी जापान की अब वहीं से ही एक बंदा आकर के इनके घर पर टपक पड़ता है कैसे लेट अस सी ही एनकाउंटर्स एन अमेरिकन नेवी मैन हु इज इंजर्ड बाय अ गन शॉट एंड डाइड उनका सामना एक ऐसे बंदे से होता है जो उनको मतलब इस तरीके से दिखाई देता है सिलहाउट टाइप का फॉर्म हो जाता है राइट? Right? सो so, उनको ये बंदा कहाँ पर दिखाई देता है समुद्र में दिखाई देता है एक्चुअली में बताया है जाता है कि डॉक्टर सडाउ का घर समुद्र के पास ही था मतलब सी साइड के पास ही था सो so, उनका सामना एक अमेरिकन नेवी मैन से होता है ठीक है और वो मतलब बड़ा खूबसूरत खूबसूरत सा सुंदर सा उसकी गोल्डन गोल्डन को लगे हैं ऐसा उसके ब्लू ब्लू कलर की आँखें वो उनको पढ़ा हुआ दिखाई देता है तो वो जाते हैं भागते हुए देखने के लिए तो जैसे ही पलटते हैं उनको पता चलता है ये तो आदमी है इसको तो चोट लगी हुई होती बुरी तरीके से घायल है इसका अगर इलाज नहीं किया गया तो मर जाएगा तो अब बेचारे

Now look at this. Now what happened? All those to Dao was in no mind to help the enemy. Uh, he takes in the young soldier and provides him with medical assistance. अब देखो यहाँ पर एक तरीके से irony create करी गई है. डॉक्टर सडाव के दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं था कि वो इस army uh, soldier को बचाएंगे। कि उन्हें इसको, इस बंदे को बचाना नहीं है लेकिन फिर भी चूंकि वो किसी को मरता हुआ नहीं छोड़ सकते इस वजह से थोड़ी बहुत मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए वो क्या करते हैं उस बंदे को उठा करके अपने घर ले आते हैं

अब उनको चीज अच्छे से पता होती है कि वो बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं अगर उन्होंने अपने घर पर सेव करके रखा हुआ है और मैं बाकी लोगों से उसे बचा रहा हूँ मैं जापनीज आर्मी से उसको बचा रहा हूँ तो मेरी जिंदगी तो खत्म ही है मेरी नौकरी खत्म मेरी जिंदगी खत्म और मेरी जो कुछ भी है वो सब खत्म हो जाएगा राइट right? उन्हें उन्हें पता 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 होते हुए भी भी अब देखो पर पर आपको पता चलेगा कि पता कि डॉक्टर इस एक्चुअली अ ग्रेट मैन बिकॉज़ था डेंजर को को मैं अपने अपने घर घर लेकर रहा स्टिल वो उस बंदे को अपने घर पर रखते हैं क्योंकि वो दिल के अच्छे इंसान हैं और वो किसी मरते हुए को खतर खतरा उनके सर पर मंडराना शुरू हो गया सबसे पहले जैसे ही नौकरों को पता चलता है कि उनके घर में एक इंग्लिश मैन है तो उनका जो एक स्टेप था उससे इतना बड़ा चेंज आया उनके घर पे कि उनके जितने नौकर थे तीन नौकर थे एक खाना बनाता था एक गार्डनिंग वगैरह के देख को देखता था और वो बहुत पुराने थे जब उनके पापा जवान हुआ करते थे और जब डॉक्टर सडाओ छोटे से थे तब से वो उनके घर में काम कर रहे थे और फिर उन्होंने एक और नैनी रख रखी थी जो कि उनके बच्चों का ख्याल रखती थी राइट दो बच्चे थे डॉक्टर सडाव के एक बेटी एक बेटा तो उनको देखती थी वो तीनों के तीनों जो है घर छोड़ करके चले जाते हैं सो तो ये उनकी ज़िंदगी का ये पहला खतरा था जो एक खतरे के साथ आया था खतरे के साथ खतरा सो so, जैसे ही वो इंग्लिशमैन को अपने घर पे रखते हैं उनके नौकर उनके घर छोड़ देते हैं कहते हैं कि भैया आप निपटिए हमको जेल नहीं जाना हमें चक्कियां नहीं पीसनी हमें तो अपनी जान बचानी है। अब प्रॉब्लम शुरू हो गई जैसे वो इंग्लिश इनके घर आया नाउ एक्ट कैट पासिंग जैसे जैसे धीरे 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 समय बीत रहा था द सोल्जर वॉज नाउ बेगिनिंग टू गेन दैट अब मेजर जो उनका ख्याल था डॉक्टर सडाव का कि मेरे को इस आदमी को ठीक करना है जैसे ये ठीक हो जाएगा मैं इसको जो है हमारी आर्मी के आ, हाथ में थमा दूंगा कि भैया अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है डॉक्टर की ड्यूटी है टू सेव दिस मैन पेट्रियोटिक होने की ये ड्यूटी है उनकी कि अपने जो जगह है उसका ख्याल रखो क्या पता ये ठीक होकर के हमारी ही जान ले ले राइट सो जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे राइट और जैसे जैसे वो हेल्थ ठीक कर रहा था

प्रॉमिस किया होता है कि मैं तुम्हारे घर कुछ लोगों को भेजूंगा जो इसको मार देंगे ही इन्फॉर्म्स द जनरल ऑफ द अमेरिकन एंड दस जनरल रेसिप्रोकेट्स तो जब वो जनरल को इन्फॉर्म करते हैं जनरल कहते हैं कि ठीक है तुम परेशान मत हो मैं खुद कुछ हायर क्रिमिनल्स भेजूंगा और वो आकर के तुम्हारे जो घर बंदा बैठा हुआ है उसको मार देंगे और ये भी जनरल इसलिए कर रहा होता है क्योंकि जनरल की हमेशा मदद करी होती है किसने डॉक्टर सड़ाओं ने उनको हार्ट अटैक से बचाया किसने होता है सड़ा ने सो अब ये बात किसके कान में चली गई है ये बात चली गई है जनरल के कान में राइट right? अब जनरल उनकी मदद करेगा या नहीं करेगा वो आपको यहां पर पता चलेगा तो उनके बीच में जो एक समझौता हुआ होता है जो एक एक डिस्कशन हुआ होता है जो एक बॉन्ड साइन हुआ होता है दैट वाज अबाउट कि उन वो उन्होंने डिसाइड किया होता है मतलब जो जनरल होते हैं उन्होंने डिसाइड किया होता है कि वो पर्सनल असिस्टेंस भेजेंगे असिस्टेंस मतलब होता है हाइड किलर ठीक है टू किल द अमेरिकन सोल्जर अमेरिकन सोल्जर को मारने के लिए ये लोग हार्ड असिस्टेंस करेंगे मतलब हार्ड किलर्स

इसमें तो डिले हो रहा है ऐसे आए भी नहीं है इसको तुम तो कोई तो मारने के लिए ही नहीं आया ये मेरे सर पे अभी भी एक प्रॉब्लम है ये मेरी नौकरी खा जाएगा और मैं बचूंगा ही नहीं लोग मेरे अगेंस्ट चले जाएंगे मेरा क्या होगा मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी मेरी एक बीवी है मेरे दो दो बच्चे हैं तो मैं कैसे सब संभालूंगा राइट right? तो मेन डॉक्टर सडाओ का उस समय पर एक सिर्फ सिंपल सा मोटो होता है कि इस आदमी को मुझे अब यहाँ पर नहीं रखना हाउ आई डिस कोर्स ह्यूमिटी इन सडाउ अराइजेस अब जब पर्सनल एसेसेंस नहीं आते क्योंकि वो रात भर उस चीज़ की वजह से वो आता है कि कोई आ रहा होगा और इसे मार रहा होगा कोई आएगा और इसे मारेगा तो रात भर वो रात बीतती है और उसी रात के साथ साथ सडाओ के अंदर एक humanity जाग जाती है वो humanity किसके लिए होती है वो ह्यूमैनिटी होती है एक इंसान के लिए कि कैसे मैं उस इंसान को मार सकता हूँ जिसको खुद मैंने अपने हाथों से ज़िंदगी दी है मैंने एक मरे हुए को जिंदगी दे करके फिर मारने का काम करना इज रॉन्ग राइट सो ये वो समय होता है सदाओ को लगता है नहीं आई शुड नॉट है का, तो वो थी उसकी वाइफ है ना राइट ही ही दैट इज एट द एंड ऑफ द डे फिर उसे समझ में आता है कि कुछ भी हो चाहे मेरे किसी से कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो हूं तो मैं इंसान ही ना तो फिर मैं एक जिंदा इंसान को कैसे वापस मौत के घाट उतार सकता हूँ आई कान डू दिस और साथ ही साथ ही कितनी बड़ी और दुनिया में जो लोग है वो हमारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं हम सब तो एक ही है ना हमारे अंदर से अगर एक कट, एक कट मारोगे तो हूं तो एक ही जैसा निकलेगा ना सो वी ऑल आर together we are all are united why we why we do segregation why we we do separation jabki har koi hamara hi part hai har koi hamara hi hissa hai so everything which comes with the animity comes from uh, the state of our minds to hamare jo dimag hota hai na usme ladaiyan bhari hui hai Inhumanity है हमारे दिमाग में भरी हुई है और जब हमारे अंदर इनह्यूमैनिटी आती है हम दूसरों को किल करते हैं मारते हैं

हमें इन सब चीज़ों से परे भी सोचना है पेट्रियाटिज़म के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी जिंदगियां रेस से बाउंड्रीज से वॉर से लिमिटेड नहीं है हमारी जिंदगियां बहुत आगे चल रही हैं और हमें हमें ओपन माइंडेड होना ही पड़ेगा हमें दूसरों के साथ मिलजुल करके है ना तमीज़ से इज्जत के साथ प्यार से रहना पड़ेगा तभी हमारा एक जो वर्ल्ड है वो एक खुशहाल वर्ल्ड बन पाएगा क्या रखा है ट्रेड में नथिंग सिर्फ दी एंड ऑफ दी लाइफ राइट right? सो so, इस चैप्टर से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है जो कि एक्चुअली में एक डॉक्टर हमको समझा रहा है राइट right नाउ

अंदर so, ये भावना एक डेवलप होती है कि नहीं मुझे रखनी पड़ेगी दस लाइफ uh, right right और इस तरीके से वो चुपचाप रात में उसको उसका भेज बदल करके मतलब एक कैमो क्रिएट करता है वो उसको पूरा इस तरीके से कपड़ा वपड़ा पहना देता है जैसे कि वो एक जापनीज हो और उसको फिर uh, आइलैंड पर भेज देता है

पर्सन जो कि मर रहा था उसको बचाता है और उसकी जिंदगी को भी बचाता है और उसे भेज देता है राइट सो वट इज द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी वट इज द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी द एनिमी सो हमको यहाँ से पता चलता है द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज वी लर्न हाउ लव एंड कंपैशन कैन मेक अस बेटर ह्यूमन बींगस एज अपोज टू एंड बाइसिस अगेंस्ट अदर पीपल विद होम वी डू नॉट शेयर एवरी थिंग एनी थिंग बट द बॉन्ड ऑफ ह्यूमन बींगस सो ये चैप्टर हमें एक्चुअली में सिखाने की कोशिश यही कर रहा है कि किस तरीके से हम लव और कंपेशन अपने अंदर डिवेलप कर सकते हैं लव का मतलब है प्यार और कंपेशन का मतलब है सिंपति लोगों के लिए सिंपति तो अगर हम हमारे अंदर लव डिवेलप करते हैं अगर हम हमारे अंदर कंपेशन सिंपति डेवलप करते हैं तो हम दूसरों से नफरत नहीं करेंगे और जब हम दूसरों से नफरत नहीं करेंगे तो हमारे मन में उनके लिए इज्जत होगा प्यार होगा और तब तो हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे और अगर हम अच्छे इंसान बन गए तो फिर हम कोई गलत काम करेंगे ही नहीं और इस तरीके से हम पीपली जुडस की भावना से बाहर निकल सकते हैं इसको अपोज कर सकते हैं उन लोगों के अगेंस्ट जा सकते हैं जो कि लोगों के साथ गलत कर रहे हैं ये भावना रख करके राइट और सबसे बड़ी चीज़ अदर पीपल विद होम वी डू नॉट शेयर एनी थिंग बट द बॉन्ड ऑफ बींग इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब इंसान हैं और उनसे अगर हम किसी तरह की कोई फीलिंग जनरेट कर सकते हैं अपने अंदर तो वो है ह्यूमैनिटी की सो वी ऑल अ ह्यूमन वी ऑल शुड हैव ह्यूमैनिटी और उस ह्यूमैनिटी के रिलेशन से हमें एक दूसरे के लिए अच्छा करना चाहिए सो माई डियर स्टूडेंट विद हैव कम टू द एंड एंड द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर द एनिमी आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये जो इसका पीडी uh, एफ है आई विल बी प्रोवाइडिंग इट टू यू आपको ये काफी ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपको काफी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी फील होगा अपने अंदर राइट सो यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों ग्रेट अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और आई जस्ट लव चैप्टर दिस इज द चैप्टर चैप्टर नंबर इज ऑन द फेस ऑफ इट बाईस है तो ये बड़ी ही खूबसूरत सी स्टोरी है ये दो लोगों के बारे में है एक ऐसे आदमी है जो कि अधेड़ उम्र के हैं मिस्टर लैम और एक और बच्चा है छोटा सा यहाँ पर जिसका नाम है डैरी तो दोनों ही एक तरीके से डिफरेंट फिज़िकल एबिलिटीज से सफ़र करें जो छोटा सा बच्चा है डैरी जो कि एक्चुअली तीन एज का है और उसका आधा फेस जला हुआ है

इन अर ऑफ सेल्फ हमारे अंदर जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है और वो खूबसूरती है हमारा दिमाग हमारी सोच अगर आप सोच से अच्छे हो अगर आपकी मेंटल स्टेट सही है अगर आप सोच से विकलांग नहीं हो तो आप फिर किसी भी चीज से विकलांग नहीं हो सकते नो वन कैन स्टॉप यू ओनली योर माइंड कैन राइट right? सो so, ये अगर आप एक थॉट प्रोसेसिंग डेवलप कर लेते हो अपने अंदर तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया लग जाता है कि आपके साथ जो हो रहा है वो सही है या नहीं है और आपको पॉजिटिव रहना चाहिए कि नेगेटिव रहना चाहिए राइट सो जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वो आपकी सोच में होती हैं आपकी बॉडी पर नहीं वहीं आपको एक बहुत ही मोटिवेशनल पर्सनैलिटी यहाँ पर दिखाई देंगे जिनका नाम है मिस्टर लैम मिस्टर लैम ने अपना एक पैर एक युद्ध में खो दिया था उनका पैर टिन का पैर लगा हुआ है और वो उस पैर से बहुत अच्छे से चल नहीं सकते उनको लोग लेमी लैम लेमी लैम लंगड़ा लैम चढ़ाते हैं और लेकिन वो आपको डेरी की तरह नहीं दिखाई देंगे वो आपको बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक दिखाई देंगे उनका एक सुंदर सा गार्डन है उन्होंने उस गार्डन को सजा रखा है और वो सोच से विकलांग नहीं है इसलिए वो शरीर से भी विकलांग नहीं है लेकिन एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको ये पता चल जाएगा कि वो बहुत कोशिश करते हैं डेरी को पॉजिटिव करने की और डेरी को पॉजिटिव करते करते यहाँ पर उनको दिखाया गया है कि ही इज डेड

खूबसूरती से एक बहुत अच्छा के थ्रू दिया है। सो so, कहानी की शुरुआत एक से गार्डन से शुरू होती है यहाँ पे जो शुरुआत है वो एक छोटा सा बच्चा लेकर के आ रहा है वो छोटा सा बच्चा चुपके चुपके चोरी चोरी दीवार फान करके एक गार्डन में घुस गया उसे नहीं पता ये गार्डन किसका है लेकिन वो उस गार्डन में घुसा इसलिए है क्योंकि वो लोगों से डरता है लोग उसे अजीब अजीब ताने मारते हैं क्योंकि उसका फेस आधा जला हुआ है लोग उसको क्रिटिक करते हैं लोग उसे बदसूरत बोलते हैं और वो लोगों का सामना करना नहीं चाहता इस वजह से वो दीवार फान करके गार्डन में घुस जाता है सो द स्टोरी स्टार्ट टू दिन एज बॉय डेरी हु एंटर्स अ गार्डन ड्यू टू एन एक्सीडेंट बी ऑन ऑन फेस एंड वन साइड अब हुआ क्या है जस्ट बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट वॉट वॉज दैट एक्सीडेंट उसके जो फेस था उस पर एसिड गिर गया था तो उसका फेस का जो आधा पार्ट है वो जल चुका है ठीक है क्योंकि वो लोगों का सामना नहीं करना चाहता वो लोगों से छुप करके रहना चाहता है वो आउटबोस्ट नहीं करना चाहता अपने आप को उसे लगता है कि लोग उसको क्रिटिक करते हैं ताने मारते हैं तंज कसते हैं बुरा बोलते हैं इस वजह से वो उनसे छुपने के लिए इस गार्डन के अंदर एंटर किया है बातें बोलते हैं और ये बातें भी अच्छी नहीं लगती तो वो लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता और इसी वजह से वो छुपने के लिए कहा गार्डन के अंदरिंग no. प्रेजेंट no. अब को तो यही लगता है और गार्डन में उसे एक और बंदा मिल गया

तो उसको मुझे कहते हैं रुको जरा वे आर यू गोइंग शैल आई आस्क यू टू लीव क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम जाओ उसके पास कोई शब्द ही नहीं होते हैं है ना लेकिन क्यों जा रहा होता है डेरी बिकॉज ही वॉज गिल्टी कि वो चोरी छुपे उनके गार्डन में घुसा है राइट सो नॉट अराइविंग विदाउट परमिशन डेरी फील्स गिल्टी क्योंकि uh, जो डेरी होता है वो बिना बात के या बिना परमिशन के बिना अलाउंस के

कहानी की कनेक्शन कनेक्टिविटी और यहीं से शुरू होती है मिस्टर लैम और डेरी की कॉन्वर्सेशन और यहीं से पता चलना शुरू होता है कि कैसे डेरी लोगों से छुपते छुपाते गार्डन के अंदर एंटर किया है और मिस्टर लैम एक इंट्रूडर को अपने घर में एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने गार्डन में एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसे नहीं जाने के लिए कह रहे हैं वो सो so, ये पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दिखाता है कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है राइट right? नाउ आगे बैठते हैं नहीं मुझे जाना है क्योंकि उसे लगता है किसान है और मिस्टर लैम भी उसके चेहरे को पसंद नहीं करेंगे क्योंकि दूसरे भी उसके चेहरे को पसंद नहीं करते so, उसे नहीं चाहिए कि लोग उसके चेहरे को देखें और फिर मजाक उड़ाए सो ही Now look at this. Then again, Mr. Lam asked him to stay there. Mr. Lam said, "No, wait. Why are you going? Can I tell you that you should go? Can I tell you that your face is bad? Or can I tell you anything? So you should go. But he was like, 'I have to because I people.' After face they start having after that, they start having a conversation that how no one liked Derry. And how he hates people behaving like this with him. After that, उनकी बातचीत शुरू हो जाती है और फिर वो अपनी जितनी मन की गंदगी होती है वो मिस्टर लैम के सामने निकाल देता है कहता है कैसे लोग मुझे पसंद नहीं करते कैसे लोग उसे ताने मारते हैं और कैसे इतने गंदी तरीके से उसके साथ बिहेव करते हैं इतना उल्टा सीधा बोलते हैं और यही वजह है कि डेरी उन्हें पसंद नहीं करता और यही वजह है कि डेरी लोगों के बीच में रहने के रहने की फीलिंग को अच्छा नहीं समझता राइट सो डेरी एंड हाउ ही हेट्स पीपल बिहेविंग लाइक दिस विद हिम ऑल्सो मिस्टर लाम अटैम्प टू कंस्रोल हिम अब आप खुद सोचो एक इंसान जो दिल का अच्छा है और अगर उसके सामने आप आउटबर्स्ट हो रहे हो आप ये बोल रहे हो कि लोग मुझे ऐसा बोलते हैं लोग मुझे ऐसा कहते हैं लोगों ने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला दे से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग टू मी तो मिस्टर लाम जो कि एक अच्छे इंसान है वो कंसोल करने की कोशिश करते हैं सांत्वना देते हैं एश्योरेंस देते हैं कि नहीं नहीं डेरी दिस इज जस्ट योर थॉट वाई आर यू थिंकिंग दैट तुम्हारा चेहरा बुरा नहीं है दिस इज योर थॉट लोग तुम्हें ऐसा बोलते हैं ये उनका परसेप्शन है और तुम किसी का परसेप्शन बदल नहीं सकते वो ऐसा कहते हैं बिकॉज़ दे आर लाइक दैट उनके दिमाग में ही कीड़ा कूड़ा भरा हुआ है है ना समझ में आ रहा है ना नाउ लुक एट दिस मिस्टर लैम स्टेट टू हिम दैट ही हैज अ 10 लेग एंड हाउ किड्स मेक फन ऑफ हिम मिस्टर लैम ने उसको बताया कि देखो यू आर नॉट द अलोन पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग एंड यू आर नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड जो कि फिजिकल uh, डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी फिर वो अपनी पैंट उठाते हैं कहते हैं देखो लुक एट दिस दिस इज माई लेग एंड माई लेग इज ऑफ टेन हाउ आई लॉस दिस लेग इन अ वॉर एंड हाउ आई एम अनेबल टू वॉक प्रॉपरली आई एम नॉट लाइक अदर पीपल

मुझे इस जिंदगी को जीना है और मुझे जिंदगी को पूरे अच्छे तरीके से जीना है और तुम उनसे चिड़ते हो लोग मुझे कहते हैं मैं उनकी बातों को हीट पे नहीं करता और मैं मूव ऑन करता हूं अपनी जिंदगी में यही वजह है कि आज मेरा स्टेट ऑफ माइंड सही है मैं optimistic, optimistic हूं और मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पा रहा हूं सो दिस इज वट अ पर्सन अप्रोच शुड भी अगर इंसान को अपनी जिंदगी को खुल करके जीना है तो उसे लोगों को लेट गो करना पड़ेगा और उसे अपनी जिंदगी में मूव ऑन करना ही पड़ेगा सो दिस इज अपर गोइंग टू लिव यू टू लिव योर लाइफ टू द फुलस्ट देर कॉन्वर्जेशन वेंट ऑन एंड ऑन एंडियस थिंग्स अबाउट जैसे जैसे उनकी कम्युनिकेशन आगे बढ़ रही होती है मुझे तो तो आपको पता चलने लगता है कि जो डेरी है उसका थॉट प्रोसेस क्या है कैसे उसके अंदर इतनी नफरत भरी हुई है लोगों के लिए कैसे वो लोग उसे डरता है उनको फेस नहीं करना चाहता और कैसे वो इतना डिप्रेस फील करता है क्यों इतना कितना हताश फील करता है वाई सो वाई दे हैव दिस काइंड ऑफ थॉट विच इज टू बैड वाई ही इज सो मच शैटर्ड क्योंकि लोगों ने उसे करके रखा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि उस सोच को उसने अपने दिमाग में बिठा लिया राइट सो अबाउट दिस कि हमें किसी की बातों को अपने दिमाग में बिठा यही चैप्टर चैप्टर हिल ने इसीलिए लिखा हुआ है कि जो भी हमारी जिंदगी में हो रहा होता है दैट इज एक्चुअली अ स्टेट ऑफ माइंड और वो स्टेट ऑफ माइंड जो है वो हमें जीने नहीं देता हमें सुकून लेने नहीं देता और इसीलिए हम मल्टीपल प्रॉब्लम से सफर करते हैं फाइन आगे देखिए ऑल्सो थिंक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स तो कहते हैं दे, देखो आर विद यू यू ओनली हैव वन साइड ऑफ योर फेस विच इज जस्ट डिस्ट्रॉयड है ना जो सही नहीं है बट क्यों तुम ऐसा सोचते हो वाई यू थिंक ऑफ दिस ऐसा क्यों सोचते हो तुम्हारे अंदर ऐसी सोच क्यों है आई डोंट नो आई एम नॉट गेटिंग वाई यू थिंक सो दिस मच सिंपल सी चीज ये है ना कि जो तुम्हारे पास नहीं है उस पर ध्यान मत दो

मुझे तो एक बात याद आ गई थी जो सो दिस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड बिफोर लॉन्ग दे बिकेम फ्रेंड्स एंड मिस्टर लैम आज जेरी टू असिस्ट हिम इन प्लकिंग द क्रैब एप्पल्स ऑफ हिज गार्डन अब यहाँ पर जो मिस्टर लैम है क्योंकि उनका नेचर बहुत ज्यादा ज़्यादा फ्रेंडली है तो वो धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके डेरी के बहुत ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करते हैं लेकिन डेरी क्योंकि लोगों से नफरत करता है वो उनसे सेपरेट हो रहा है सेपरेट हो रहा है सेपरेट हो रहा है बट मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा चलो ठीक है भले ही हम दोस्त नहीं हैं तुम मुझे मानो या ना मानो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ लेकिन मैं तो मानता हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो और क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो तो इस वजह से मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूँ तो मेरे साथ आओ और मेरे यहाँ खराब एप्पल तोड़ो फाइन इस तरीके से जो मिस्टर लैम है वो क्या करते हैं डेरी को ऑफर करते हैं क्या वो मिलकर के हम लोग एप्पल तोड़ते हैं ना। डेरी स्टेट टू हिम दैट ही हैड कम टू फार फ्रॉम हिस होम टेक इट नहीं 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 आई कांट कम आई कांट स्टे बिकॉज़ मैं बहुत लंबा रास्ता कवर करके यहां पर आया हूं एंड हार्डन टोल्ड एनीथिंग अबाउट दिस टू हिज मदर और उसने अपनी मम्मी को भी नहीं बताया है कि वो इतनी दूर आ गया है सबसे छुप छुपाते हुए किसी से कोई इंटरेक्शन ना रखते हुए ना सो मिस्टर लाम आस्क हिम टू टेक परमिशन फॉर मिस अदा तो मदर सो मिस्टर लाम कहते हैं ठीक है चलो माना तुमने अपनी मदर से परमिशन नहीं ली कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम जाओ अपनी मदर से परमिशन लो फिर आओ अब डेरी का क्या रिएक्शन होने वाला है क्या वो अपनी मजद से परमिशन लेकर के मिस्लाम के पास आएगा क्या वो मिस्टलाम के साथ क्राब एप्पल तोड़ेगा क्या वो मिस्टलाम की तरह पॉजिटिव कभी हो पाएगा लेट्स सी बट डेरी फाइंडलेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम मिस्लाम कहते हैं मुझे ऐसा लगता है तुम तो मम्मी का बहाना बना रहे हो तुम्हें आने का मन ही नहीं है तो डेरी कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मैं किसी की बात नहीं सुनता मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है और मैं वो करूँगा मैं मम्मी का बहाना नहीं ले रहा हूँ मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आना और मैं अपनी जिंदगी में वो करूँगा जो मुझे चाहिए तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड मेरे मेरे ऊपर डिपेंडेंट है मैं मेरा अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है तो मिसल आम उस लोग हैं कि नहीं तुम लोगों को अपने आप को कंट्रोल करने देते हो और तुम नहीं आओगे है ना लेकिन नहीं कहता है नहीं मैं आऊँगा

वो घर जाता है उसकी मम्मी उसे कहती है अरे तो वहां मुसल्लाम किया जा रहे हो उनके बारे में तो लोग बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं वो अच्छे इंसान नहीं है वो पता नहीं किस तरह का इंसान है उसके यहां मत जाओ ऐसे लोग बहुत बुरे होते हैं डेरी ब्ला, 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 ब्ला। अपनी मम्मी की एक बात नहीं सुनता वो अपने प्रॉमिस को निभाता है वो मुसल्लाम के पास जाता है कि उससे खराब वापस तोड़ने हैं क्योंकि उसने मुसल्लाम से प्रॉमिस किया था फाइन आगे देखिए इन द मीन टाइम मिस्लाम क्लाइम द लैडर ऑन हेज ओन टू प्लग द क्रैप एप एज यू वॉज श्योर दैट डेरी वुड नॉट रिटर्न अब मिस्लाम को लगता है सब चले जाते हैं कोई नहीं आता तो डेरी भी नहीं आएगा तो मीन वाली वो क्या करते हैं वो अपनी लैडर लगाते हैं लोहे वाली और क्रैब एपस को तोड़ने के लिए छट जाते हैं और चूंकि उन्हें इस बात का विश्वास होता है कि डेरी नहीं आएगा मोर ओर बिकॉज ऑफ हेज डिसबिलिटी इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हेम टू क्लाइम सो ही स्लिप्स फ्रॉम द लैडर एंड उनके पैर उनके पूरी तरीके से सपोर्ट में नहीं होते वो लैडर पर चढ़ते हैं उनका पैर स्लिप करता है और मिस्टर लैम नीचे गिर जाते हैं और जब वो गिरते हैं तो उनकी सास से रुक जाती है एंड ही डाइट अब मिस्टर लैम मर गए बट डेरी आ गया अब इधर मिस्टर लैम चढ़ रहे और उनका पैर स्लिप हो रहा है इतने में डेरी आ गया, और कहता इतने में वो कुछ सुन रहा है। पेड़ों के पत्ते की छचहाट की आवाज आ रही है किसी चीज के नीचे धम्म से गिरने की आवाज आ रही है लैडर के गिरने की आवाज आ रही है बहुत सारी आवाजें एक साथ उसको सुनाई दे रही है उसे लग रहा है क्या हो गया

મે પ્રોમિસ કિયા તો મેને અપના પ્રોમિસ નિભાયા મિસ લામ કે આપ મુજે સુન પા રહે મિસ લામ કો બહોત ભોર દેહ તક અસે ઢકિલ્તા રહેતા ઢકિલ્તા રહેતા ઢકિલ્તા રહેતા ઢકિલ્તા રહેતા હે કે કાશ મિસ્ટર લામ ઉસકો સુન લે એક બાર મિસ્ટર લામ ઉસકો સુન લે લેકિન મિસ્ટર લામ કુછ નહીં કહેતે ઓર એટલાસ્ટ જો મિસ લામ કુછ નહીં બોલતે હે તો ડાયરી કો લગતા This is the end of his life મિસ લામ બસ દુનિયા મે નહીં હે और जब उसे ये पता चलता है कि मिसाम अब इस दुनिया में नहीं है तो वो जोर जोर से रोना लगता है उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो चीख चीख करके रो रहा होता है कि मिसम उठिए मैं आ गया प्लीज मिसाम देखिए मैं आ गया हूँ बट मिसम नहीं उठते तो यहां पर स्टोरी खत्म हो जाती है हमें राइटर एंड में ये नहीं लिखा कि डेरी बदला या नहीं मिस्टर लाम की डेथ का उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा या नहीं मिस्टर लाम की बातों का उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ाया नहीं वो चाहते हैं कि हमारे रीडर्स सोचें कि क्या मिस्टर लैम जो कि इतने पॉजिटिव इंसान थे इतने ऑप्टिमिस्टिक इंसान थे और उन्होंने जब डेरी से कम्युनिकेशन किया तो क्या उसकी निगेटिविटी को दूर कर पाए सो आई जस्ट वॉन्ट नो फ्रॉम यू ऑल कि आपको क्या लगता है कि क्या डेरी के ऊपर इस बात का किसी भी तरह का कोई असर पड़ेगा कि मिस्टर लाम ने जो सीख उसे दी अपनी जिंदगी में

बल्कि आप इस बात से हैप्पी रहिए है। कोई बात नहीं इफ आई गेट एल्स बट मुझे है student, this, this, uh, chapter, किया जो आपको हैं, दोनों है ना वो बहुत ही सुंदर चैप्टर्स थे और बहुत ही बड़ी सीख हमें दी है सो आई टू कि आप लोगों ने मुझे थीम्स बताने दोनों चैप्टर्स के कि आज दोनों चैप्टर्स से आप लोगों ने क्या सीखा फाइन सो so, चाहे वो दी का चैप्टर हो या फिर वो ऑन द फेस ऑफ इट हो दोनों ही चैप्टर से आपको क्या थीम बताया जा रहा है आप मुझे आफ्टर दीडियो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा आई वेट फॉर यू आंसर तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल